हफ्ते में मैं आपके सामने आज एक विशेष अतिथि को लेकर आया हूं, जो कि ना केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता है बल्कि देश के सबसे महंगे वकील भी है। आज हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। आप भी पूछ लीजिए। हाँ तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। चलिए चलिए, हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आतंकवादियों के साथ ही रहता हूँ। 1914-84 से लेके खुद ही आपके हिसाब से मैं खुद ही आतंकवादी हूँ। आतंकवादियों का साथ देने का मतलब क्या होता है? नहीं, आप कहते हैं तो मैं हूँ, क्योंकि आपके नजरिए से मैं आतंकवादी लगता हूँ आपको, तो मैं हूँ। 1984 में जेके हर बात नजर से होती है। मैं आपको एक अच्छा इंसान दिखता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हो। हाँ। अगर मेरी नजर ही हो जाए कि आप आतंकवादी हो तो आप आतंकवादी हो, तो आपकी नजर पे डिपेंड करता है। कारण भी बताता है ना। देखिए 1984 में JKLF, PFI क्या 1984 में आपने JKLF के आतंकवादी का केस लड़ा? मैं तो आपके बीजेपी के भी केस लड़े। मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। आपके जो बीजेपी, आपका रुझान तो उसी तरफ है ना, आपकी चैनल का भी रुझान उसी तरफ, हम भी जानते हैं। तो मैंने उन लोगों के भी रेस लड़े, कांग्रेस में भी लड़े मैंने। लेकिन ऐसा क्यों है कि PFI? एक मिनट, सुन लो पहले। मैं प्रोफेशन करता हूँ, आप क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हैं। मैं तो मिशनरी हूँ। पता नहीं मिशनरी है क्या नहीं, बट हमें तो जर्नलिस्ट लगते हैं। तभी तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रोफेशन है। हाँ। तो मेरा प्रोफेशन क्या है? हाँ। कि जो भी मेरे पास आएगा, हाँ। उसकी मैं उसकी, लेकिन मैं किसी के भी सवाल नहीं पूछ सकता। किसी मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। मैं वो नहीं पूछूंगा जिससे। अभी आप पाकिस्तान का फायदा कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप देश के बारे में पूछ नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई देश के बारे में नहीं पूछ रहा। देखिए देश में क्या मुद्दे हैं? स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उसके बारे में नहीं आप पूछ रहे। ये तो आप नहीं पूछ रहे, सुन लीजिए। स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। स्वास्थ्य के लिए सुविधा होनी चाहिए, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। गरीबों को सब साधन मिलने चाहिए, ये तो सरकार को पूछेंगे ना। आप तो विपक्ष में हैं। नहीं नहीं, विपक्ष की बात ही नहीं है। ये मुद्दा जो देश के सामने है, पत्रकारों को वो मुद्दे लाने चाहिए, ना कि आप पाकिस्तान के पक्ष में हो। ये तो सरकार को पूछेंगे ना, और जब मिलते हैं हम पूछते भी हैं। सरकार को भी नहीं पूछेंगे आप। मैं पूछता हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। लेकिन जब मुझे आप मिल जाए कपिल सिब्बल को, मैं आप कैसे लोगों को जानता हूँ, द कपिल सिब्बल मिल जाए जिन्होंने 84 में आतंकवादी का केस लड़ा, तो जेएनयू के आतंकवादी का याद भी है। JKLF मैं आपको बताता हूँ, 84 में सिख के खिलाफ दंगे हुए, ठीक है। मैं महारानी बाग में रहता था, पूछो वहां जाके सिख कम्युनिटी को किसने बचाया, किसने बचाया? नहीं, मेरे पास वो सवाल नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं, आपको विचारों को क्या जानते हैं? मैं तो आपको इतिहास में आप वो सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हम लोगों को आप एम्बेरेस करें, लेकिन आप करिए, पूछिए। आपने पीएफआई के लिए, मैंने तो बड़े केस किया यार, मैंने तो आप लोगों के भी, आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए भी खड़े रह गए। ये देखो ऐसा है कि आप ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। उन्होंने की थी, मैं तो बोल रहा हूँ ना। टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हाँ, तो उनका विरोध होना चाहिए। आप उनका विरोध होना चाहिए। आप उन लोगों के साथ हो जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मतलब जो देश बचाने की बात करे, वो टुकड़े देश बचा रहा है। आप देश बचा रहे हो, जो सवाल देश बचाने के लिए, 13 टुकड़े होंगे। आप समझते हो कि ये सवाल देश बचाने के लिए? हाँ, मैं नहीं समझता। देशभक्तों के सवाल है। अरे छोड़ो, तुम कौन, तुम आप लोग कैसे देशभक्त हो? मैं सब जानता हूँ आप लोगों की असलियत। अच्छा, राम मंदिर, राम मंदिर आप, में क्या आप, हुआ? आप मतलब याकूब की रात, आधी रात की सुनवाई का तो आपने विरोध नहीं किया, लेकिन राम मंदिर का तो आपने कैसे विरोध किया? तो आप कहते चुनाव के पहले नहीं होनी चाहिए। 2017 में पेश हुआ था राम मंदिर में। हाँ। तो 2017 से लेकर 2019 तक किसने सुनवाई नहीं की? कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहा है, तो आप बोल दीजिए आपने नहीं कहा है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने चुनाव के पहले मेरी बात तो सुन, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। मैं किसके लिए खड़ा था वहाँ, आपको मालूम है मेरा क्लाइंट कौन था? सुन्नी वक्त। हाँ, सुन्नी किसने का, तो कौन था? एक पत्रकार। अच्छा ठीक है ना, किस, एक मिनट सुन लीजिए, एक पत्रकार को जो मेरी इंटरव्यू करने आया है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं सुन्नी वक्त बोर्ड के लिए नहीं था, तो सवाल क्या कर रहे हो आप? अच्छा, किसके लिए खड़े थे? अरे आप पहले पता करो, फिर सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा सवाल नहीं, क्योंकि आप तो जानकारी लेकर हमें एम्बैरेस करने आए हो ना, पहले पता करो। एम्बैरेस कहाँ है सिब्बल जी, आपका इतना अच्छा परिचय दिया मैंने, हिंदुस्तान के सबसे महंगे सबसे बड़े वकील का। आपकी इंटरव्यू का मकसद क्या है? मैं इसीलिए आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए आपके सामने आया। हाँ, तो
आपने ये पहले तो आपको नहीं मालूम, आपने कहा कि नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आपको यही नहीं मालूम। मीडिया में कैसे आया कि आपने ये कहा? क्योंकि मीडिया के आप जैसे लोग बैठे हुए, तो अच्छा मौका है ना, आप हम अटकट चला रहे हैं, बोल दीजिए, मैंने बोल, हम दिखाएंगे। कब मैंने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? मैंने कहा, आपने कहा चुनाव के पहले निर्णय नहीं होना चाहिए। तो चुनाव के पहले नहीं हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है। लोग आपको क्रेडिट देते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है, लोग आपको क्रेडिट देते हैं। अरे वाह, अरे वाह, कि सारी सुप्रीम कोर्ट मेरा बयान सुन के तय करेगी कि कब सुनवाई होगी कब नहीं होगी। मजबूत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? दमदार वकील है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? इतने बड़े वकील है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, हाँ। ना, ये तो दुर्भाग्य इस देश का। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दुर्भाग्य, आप बोलिए ना चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये कह रहा हूँ ना मैं, ये दुर्भाग्य इस देश, चीफ जस्टिस के खिलाफ, देश का राम मंदिर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रायोरिटी में नहीं, ये दुर्भाग्य है। जस्ट आप सुन ले, मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, अच्छी बात, लेकिन ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, ना वकील तय करेगा ना कोई और तय करेगा। क्या फर्क पड़ता अगर इलेक्शन के पहले बन जाता? अरे बने, मैं तो कहता हूँ फैसला हो और बने, जो बनना हमें क्या ले रहा है। तो आप तो सबके केस लड़ते हैं, आप राम मंदिर की केस लड़ते, सबके केस लड़ते, तो राम मंदिर मेरे पास आते तो मैं लड़ लेता, मेरे पास आए ही नहीं। अभी गुंजाइश है? अभी कहाँ से गुंजाइश हो सकती है, मैं तो पेश ही नहीं हो रहा उस केस में, 2017 से पेश नहीं हो रहा, और हमारे कांग्रेस के लोग आपके वहां लड़ रहे हैं राम मंदिर के लिए। परासरन साहब कौन है? कांग्रेस के अटॉर्नी जनरल थे ना, वो लड़ रहे हैं आपके लिए। नहीं, मंदिर आपका मेरा नहीं, हम दोनों का होना चाहिए ना मंदिर, सब जो भी सब का होना चाहिए, जो भी संस्थाएं हैं इस किस्म की, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो गिरजाघर हो, वो सब लोगों के लिए। हम तो यही कहते हैं, नहीं सभी लोग, हम भी यही कहते हैं, हमने कौन सा कहा नहीं। तो कब तक बनना चाहिए कुछ, ये तो आप बताएंगे, कोर्ट बताएगा, फैसला बताएगा, ये मैं क्या बता सकता हूँ। इसको और गति मिले इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? आप करिए ना, मैं तो कर ही रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात, मैं कपिल सिब्बल को कह रहा हूँ कि आप लड़िए, जल्दी करिए, जल्दी बनाइए। किसके साथ लड़ूं, किसके साथ लड़ूं भैया, मैं तो वकील हूँ, किसके साथ लड़ूं, जाके मैं कुश्ती करूं? नहीं नहीं, किसके लिए भी आप मजबूर हैं, किसकी लिंचिंग करूं जैसे आप कुछ लोग करते हैं, लिंचिंग करूं किसी, किसी को गाली गलौज दूं, कोई ऐसा एक घटना सही नहीं, गाली गलौज दूं, गाली गलौज दूं, किसी अपशब्द बोलूं जैसे आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपके नहीं प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे भी हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, ये चलेगा? नहीं, कौन नहीं, देखो ऐसा है, जो चोर दूसरे लोगों को कहता है उसको फिर चोर तो कहना पड़ेगा ना। राहुल गांधी दूसरे लोगों को ऐसी बातें कहता है, कोई कहता है कि साहब ये तो शराब है, कहता है ना, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, उनको कहना चाहिए, बोलिए आप टीवी के सामने के गलत है, फिर पता चलेगा कि आप निष्पक्ष तरीके से इस चैनल में काम करते हैं, बोलिए बोलिए। मैंने सुना इस चैनल कहा है, अरे छोड़िए, अरे क्यों क्यों, कई खबरें मिस हो जाती हैं, अखबार नहीं पढ़ते आप, मिस हो जाती है, अखबार नहीं पढ़ते आपका, अखबार नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं अभी सारी तो नहीं पढ़ते, अरे पढ़ ली आज सुबह, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं कल कल टीवी नहीं देखा, आज मैं आपके सीधे इंटरव्यू के लिए अपने आप को एक्सपोज, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सच बताया, अरे अरे छोड़ी, अरे दूसरा क्या कहा वो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पहले आप देखिए, ये इंटरव्यू तभी चलेगी जब आप ये नहीं कहोगे, मेरे इंटरव्यू नहीं है ना, क्यों नहीं, आप ही इंटरव्यू है, छोटा सा, मैं आज आया हूँ इसीलिए कि आपकी इंटरव्यू करूँ, मैं तो छोटा सा पत्रकार हूँ, छोटे पत्रकार नहीं हूँ, आपके एजेंडे हैं, इसीलिए मैं आया हूँ, मैं तो आपके इतने बड़े कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू, बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं, हम तो एक साधारण इंसान है, आप बड़े लोग हैं, क्योंकि आप खबर को इधर उधर कर सकते हैं, खबर झूठी बना सकते हैं, हम तो देखते हैं, एक नहीं, एक नहीं, मैं नहीं जानता, 15 साल हो गए, अरे 15 साल, मुझे नहीं पता 15 साल हुए, मैं तो आपको जानता भी नहीं। कपिल सिब्बल जी, ये चैनल अनकट इंटरव्यू दिखाता है, इसलिए कांग्रेस के लोग इसमें आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अनकट, आप हमारे खिलाफ बोलेंगे वो भी हम दिखाएंगे, वो तो दिखाना पड़ेगा, हम दिखाएंगे, इंटरव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल, और अनकट दिखाएंगे, देखिए हम लोगों का संवाद नहीं होगा तो लोगों तक बात जाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संवाद तो होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, देखिए हमारे लिए आप अस्पृश्य नहीं है, हम आपसे बात कर सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं, आए हैं, हम भी आ सकते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम भी आ सकते हैं, हम उस पत्रकारिता के खिलाफ है जो एक दल का एजेंडा चलाए, हम उसके खिलाफ जब बोलो ना रिपब्लिक के खिलाफ, हम उसे नाम किसी का क्यों नहीं लेते, हम कह रहे हैं कि देश की बात करें, देखिए मोदी जी अगर देश के खिलाफ बोलेंगे हम भी खिलाफ, हमें तो मालूम नहीं, उन्होंने गौरक्षकों के खिलाफ बोला, हम गौरक्षकों के साथ बोले, नहीं देखिए हम गौरक्षकों के साथ थे, जैसा है जैसे देखिए गौरक्षक ये सब, देखिए देश के सामने मुद्दे क्या हैं, देश के सामने आज के मुद्दे क्या हैं, वो तो आपको विपक्ष में बिठाए ना, आप कहाँ पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया चैनल को वो मुद्दे उठाने चाहिए, देखिए सुदर्शन क्या कहते हैं आपको पता है, हमने गांव गोद लिए हैं,
सूखे गांव में हमने डैम बनाए हैं। कुछ गरीब लोग भी गरीब का ना लिए ना। और बताऊं गरीब गाय हम तो हिंदूवादी कह रहे हैं। हम गाय की हालत उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। रुजाजो गांव लिया, रुजाजो नागालैंड में 100% ईसाई गांव है, 100% ईसाई गांव, कुछ और हमने गोद लिया। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ कि गाय जो है उसकी हालत क्या है उत्तर प्रदेश में? पूरे देश में खराब है। उत्तर प्रदेश में क्यों? क्यों सब जगह क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश में कभी जब नीति शुरुआत से बनने रही थी तभी हमारे किसान और खेती के पूरक नहीं बनी, तो गाय उसमें पिस गई। तो फिर तो आज गाय की हालत क्यों ऐसी बुरी है? चौराहे पे खड़ी है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ उसको कुछ खाने को में नहीं मिलता। और जहाँ आपने गौशाले बनाए हैं, देखिए मैं अपने फार्म पे 19 गाय रखता था, उनका ख्याल करता था, सब लोगों के मैं फ्री दूध देता था, ठीक है। और जब मैं नहीं कर पाया क्योंकि फिर मैं मंत्री बन गया, मैंने वो गुरुद्वारों को दे दी ताकि गाय का कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं, आपने संसद में क्यों नहीं पूछा सरकार को? मैं आप सरकार को कहिए ना कि गाय की दिशा, गाय की दशा अच्छी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि कथनी और करनी में अलग बात होती है। वो कहता कुछ है, भाषण देना राशन के, भाषण तो आदमी दे सकता है, उसे राशन नहीं मिलता, ठीक है ना। इस देश में जनता को राशन चाहिए, इस देश में जनता को रोजगार चाहिए, वो भाषणों से नहीं मिलता। और ना आपकी जैसे आप बात कर रहे हैं ना उनसे मिलेगा। अच्छा गाय की बात आपने की, लोग तो कहते कि आपका बड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्लॉटर हाउस है, कसाई खाना भी है। किसके पास है? आपका है बोल रहे तो झूठ। पत्नी के नाम से है? कहाँ है बताइए? अरिहंत नाम से था। बता दीजिए कहाँ है? आपने तो कभी डिनाई नहीं किया। गूगल जब कोई नहीं, जब गूगल पे सर्च करें वो मिल जाता है। बताइए कहाँ गूगल पे? पहले था कभी भी नहीं था। मतलब आपके पत्नी का कभी भी कोई स्लॉटर हाउस है ही नहीं? ना था। और किसी लेकिन आप लोग झूठ प्रचार करते हैं। नहीं, आपको सच्चाई बोलने का मौका मिल गया। मैंने बोल दिया ना था, ना कभी था, ना कभी है, ना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये बात कही है मैं उनको चैलेंज करता हूँ। सिब्बल जी नहीं कह रहे, आप साबित करें। बता दिए लेके आइए। स्लॉटर हाउस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस लेने पे यूपी सरकार पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बता दीजिए लाइसेंस, ठीक है ना। देखिए जो सवाल आया हमने पूछा, आप नहीं कह रहे। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आप खुद इस पे कार्रवाई नहीं करते। मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक स्लॉटर हाउस देखा ही नहीं। आज तक मैंने जिंदगी में स्लॉटर हाउस देखा ही नहीं। लेकिन मॉफ्ट इमेजेस लोग एक सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई मॉफ्ट इमेजेस, मॉफ्ट मतलब के मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरी बीवी ऐसी करी, उसके हाथ में गाय का वो लगा के आप सोशल मीडिया पे चलाते हैं। मतलब कि शर्मनाक आपकी बात नहीं कर रहा, शर्मनाक बात है। और वो देखकर आप सोचते हैं कि मेरे पास स्लॉटर हाउस? हाँ, अगर नहीं है तो वो नो ये बात नहीं है। आपको थोड़ा काम करना चाहिए मेरे सवाल पूछने से पहले। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप गुस्सा हो गए? गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्से की क्या बात है? इतना अच्छा सवाल पूछा। नहीं, गुस्से की बात ही नहीं है, मैं कभी किसी से गुस्सा होता ही नहीं। अच्छा, मुझे गुस्सा, राफेल पर जरा बात करते हैं। राहुल गांधी आपके द्वारा आश्वस्त है, इसलिए चोर 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 बोल रहे हैं। जहाँ तक राफेल का सवाल है ना, और जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, जो सबसे बड़े स्कैम इस देश में इतिहास में हुए हैं वो दोनों ही है। मतलब 2G जीरो लॉस थ्योरी है, नोटबंदी वो कोर्ट ने कह दिया। आप देखिए हंस रहे हैं ना, हंसना बंद कीजिए, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ। तो आप कोर्ट की बात नहीं मानते? नहीं मानते? नहीं मानता हूँ ना। तो बोलिए फिर कि जो कोर्ट ने कहा है वो सही है। जो लोग पकड़े गए उनके लिए साक्ष्य नहीं थे? कौन से नहीं? कोई पकड़ा नहीं गया। कौन पकड़ा गया? जो अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ा गया, यही बात है। नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं थी। जज ने कहा कि मैं सुबह से रात तक 5 बजे तक शाम को वेट करता रहा कोर्ट में कि सीबीआई एविडेंस लेकर आए, और सरकार बीच भाजपा की है तो सीबीआई एविडेंस ले नहीं पाई, लाई नहीं। और कोर्ट ने कहा कोई एविडेंस है ही नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मैंने सारे दस्तावेज, ऑफिशियल दस्तावेज अपने यहाँ मंगवाए, सारे मैंने देखे, उससे साफ जाहिर है कोई घोटाला नहीं था। तो सीबीआई का फेलियर है बड़ा। सीबीआई का फेलियर नहीं है, ये आरोप का फेलियर है। चलिए राफेल पे बताइए, क्योंकि उसमें भी आपने कोर्ट में लगाई हुई याचिका वापस ले ली। मैंने तो लगाई नहीं, मतलब फिर ये भी कांग्रेस में, कांग्रेस में भी नहीं लगाई। यही तो प्रॉब्लम है इस देश में। अरे पहले सवाल का जवाब सुन लो। कांग्रेस वहां पार्टी नहीं थी, मैं वहां पार्टी नहीं था, तो आपने कह रहे हैं कि आपने लगाई।
अब आपको इस बात का भी नहीं मालूम। और मुझसे आप इतनी दूर से देखिए, जब आप मुझे से कह रहे हैं, नहीं नहीं, जब आप कह रहे हैं जैसे मेरे तरफ वोट करके उंगली करके आप कई लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, वैसे मैं आपका मतलब होगा कि आपका वो समूह। पहले समझ लो बात यार, अगर आप इतना भी नहीं काम करेंगे, इतना भी नहीं दस्तावेज पढ़ेंगे, एटलीस्ट कोर्ट की कार्रवाई देख लेते कि उसमें पार्टी कौन है, उसमें कांग्रेस पार्टी है कहीं भी नहीं है, और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। दुख की बात है ये कि आप ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो जिसको आपको जानकारी नहीं है। आपका मतलब आपकी वो फेटर्निटी ना, जो लोग राफेल का विरोध कर रहे हैं, मेरी कौन सी फिटर, कौन कह रहा है, जो तो कौन कह रहे हो, राफेल का विरोध करने वाले मतलब जो मोदी के खिलाफ है वो आपके साथ। भाई आप मोदी के हक में, कौन आप, हाँ बोलिए, क्यों बोलिए ना, मैं कह रहा हूँ ना कि आप एज अ पत्रकार मोदी के हक में, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। कौन सा मुद्दा आपको राफेल का, आपका मुद्दा आपको मालूम भी है, आपको राफेल का मुद्दा मालूम भी है, बताइए आप ही बताइए, आपको कितना मालूम है, फिर आपको बताऊंगा। मुझे इतना समझ में आता है कि मेरी देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे जरूरी है वो करना चाहिए, बस मैं भी कहता हूँ, फिर बात खत्म हो गई। जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है वो करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। तो फिर आप उसको खरीदने वाले को चोर चोर कहेंगे? खरीदने वाले को नहीं भैया, तो जो प्रधानमंत्री ने जाकर 11-13 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि मैं 26 राफेल खरीदूंगा, जो हम चाहते थे 126 आए, वो घोटाला है। तो भी आएंगे ना? कहाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, किसने बोला, तो किसने बोला, क्यों नहीं आएंगे, अरे किसने बोला भाई, देखिए आपकी, आप कह रहे हो आएंगे ना, मैंने कहा हम 126 खरीदना चाहते थे और वो 26 खरीदे तो आप उनकी वाहवा करते हो, आप, और हम आप, तो 126 खरीदना चाहते, आपने 126 नहीं एक भी खरीदने से नकार दिया, बिल्कुल गलत, ये कहते हुए कि हमारे पास बजट नहीं है, बिल्कुल गलत, बजट नहीं है, किसने कहा, अंतोनी जी ने कहा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जो आप कह रहे हो, क्या आप तो, हम तो साक्ष्य लेके नहीं आ रहे हैं ना, आपके, आपको जानकारी ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देश के रक्षा मंत्री एंटीजी ने कहा, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें साफ कहा गया है, लिसन इन टू व्हाट डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी जस्ट सेड, इट डजंट मीन लाइक दैट, आई टोल्ड द डिले इज मेनली नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मनी दिस फाइनेंशियल ईयर, डोंट एक्सपेक्ट एनी फाइनलाइजेशन ऑफ द एग्रीमेंट। इनफैक्ट उल्टी बात है कि जब जो सप्लाई करता है राफेल, जो कंपनी सप्लाई कर रही है, उसके सीईओ ने कहा, डसॉल्ट के सीईओ ने कहा कि हमारा तो समझौता एचएएल से 95% हो चुका था। उस बेचारे को नहीं पता था, 27 मार्च 2015 तक उस बेचारे को नहीं पता था कि अप्रैल 13 में क्या होने वाला है। उसने कहा कि हमारा तो समझौता हो गया था एचएएल के साथ, ये कैसे हुआ, ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपके डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं था, आपके फॉरेन मिनिस्टर को पता नहीं था, आपके फॉरेन सेक्रेटरी को पता, हमारे कही है ना, हमारे को नहीं पता था, तो डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं पता, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता, तो केवल प्रधानमंत्री को पता था कि मैंने 126 नहीं, मैं 26 खरीदूंगा। वाह, कमाल हो गई। और ये कहते हैं देश की रक्षा कर रहे हो, देखिए उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन तय किया होगा ना कि कितने 26 लेने हैं, दूसरे कौन से लेने हैं, उसके आगे के कौन से लेने हैं। गलत, ये भी हमने तो 126 तय किए थे, हाँ, लेकिन तो सुरक्षा तो हम कर रहे थे देश की, आपने तो एक भी लिया नहीं ना। अरे कैसे लेते भैया, उस समय तो उन्होंने चेंज कर दिया ना, डसॉल्ट ने कह दिया कि भाई हम तो एचएएल के साथ जा रहे हैं, तो लेते कैसे, आपने बल कर दिया, एचएएल के होता तो 126 मिलते। और आप कह रहे कि अंबानी को काम दे दिया, अंबानी को काम तो आपने अभी मेट्रो का दिया था, दिल्ली में मेट्रो तो अंबानी ने भी बनाई। अगर आप मोदी जी के यहाँ सुरक्षा करने के लिए आए हो तो जितनी मर्जी सुरक्षा करना करो, लेकिन जब जांच होगी तो पता चलेगा कि इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। अच्छा, कॉर्पोरेट्स को काम देने के पक्ष में आप है क्या नहीं है? मैं तो सबको पान देने के पक्ष में हूँ, कॉर्पोरेट हो, गरीब, सबसे अरे स्वदेशी, क्या ये स्वदेशी हुआ भाई, स्वदेशी उद्योग अगर अभी, सामने अभी, अभी स्वदेशी की बात करते हैं। इस राफेल में जहाज कहाँ बनने थे, कहाँ बनने थे, भारत में, अभी तो वहाँ बन रहे हैं, भारत में भी बनेंगे, नहीं क्यों, क्यों ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, क्यों क्यों मजाक उड़ा रहे हो, क्यों वो वही बनेंगे, 26 के 26 वहीं से आ रहे हैं, पहला लॉट ना, 1 सेकंड सुन लो यार, क्योंकि तुरंत चाहिए, अरे तुरंत तो फिर भी 1 महीने बाद आ रहे हैं। हाँ, जो शेड्यूल था ना, वो शेड्यूल के 1 महीने पहले ये 26 राफेल आएंगे, वो भी 2022-23 में, ठीक है ना, तो फिर कौन सी शेड्यूल चेंज हो गया, भारत की कोई कंपनी डिफेंस में आ जाए, आपको इतनी भी कोई कंपनी डिफेंस में आ जाए, आपको इतनी भी नहीं जानकारी कि राफेल में वही शेड्यूल है, आपको इतनी भी नहीं जानकारी कि जो स्वदेशी होना था वो एचएएल के साथ होना था,
आपको ये भी नहीं जानकारी और यहाँ आप आकर मुझसे सवाल पूछ रहे हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने क्या गलत कहा? बिल्कुल गलत। मैंने कहा स्वदेशी कंपनी अगर आगे आ रही है। क्यों स्वदेशी? टेक्नोलॉजी तो उन्हीं की है। फिर भाई ये भी नहीं आपको जानकारी, वो जो HAL और Dassault का समझौता था उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी, HAL को टेक्नोलॉजी आनी थी, वो मोदी जी ने रोक दी। लेकिन HAL ने कहा ना कि हमारी क्षमता नहीं है। किसने बोला? फास्ट बोल नहीं सकते। HAL के वाइस चेयरमैन जो रिटायर हो चुका है उसने कहा कि हम अगर रूस के जहाज बना सकते हैं, सुखोई बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बना सकते? आपको ये भी नहीं मालूम? रिटायर्ड वाले को आप पकड़ ले, आपने पार्टी में शामिल कर ले, तो आप उसी ने तो कहा था कि भैया HAL करेगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, स्वदेशी होगी। ये सारे पब्लिक डोमेन में है ये चीजें। मैं पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूं। पब्लिक डोमेन, इसलिए हम उसपे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। क्यों नहीं बहस करेंगे? हम तो बहस उसपे करना चाहते कि प्रधानमंत्री देखो जो प्रधानमंत्री हमारे बारे में कहता है उसको कहना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो टीवी के सामने। नहीं, मर्यादा जो सब वो नहीं चाहिए। बोलो ना, मैं जो ना कई बार नहीं बोलो कि उसने क्या क्या कहा हमारे बारे में। नहीं, वो तो देखिए आप सारे क्या बयान निकाल के उसको पोस्टमार्टम करने के लिए तो इंटरव्यू करो ना भाई, उनको जाके इंटरव्यू करो ना। मैं करूंगा ना, मैं उनको हिम्मत है तो करो ना। आज तक मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आज तक आपने की, अभी मेरा नंबर आएगा तो मैं भी करूंगा। आपका नंबर आएगा ही नहीं कभी। आपका नंबर यहाँ आ सकता है, वहाँ नहीं आ सकता। नहीं तो क्यों नहीं आ सकता? अब आपको गलत फहमी है। नहीं तो क्यों नहीं आ सकता? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? अरे कैसे, आपको क्या लगता है? उसने आज तक कभी इंटरव्यू दी उन्होंने किसी को? अभी लोगों को तो दे रहे हैं। इतने पांच साल तो बीच गए, लोगों को दे रहे। अरे वो रिपब्लिक के चैनल में वैसी इंटरव्यू क्यों? तो आप हमको उनके होने का भी देश का मजाक क्यों उड़ाते हो भैया? मत उड़ाओ। ये अच्छा है, आप मुझे उनका कह भी रहे हैं और फिर मुझे उनसे दूर के कैसे उनको उनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी सफाई दे रहे हैं, तो आप उन्हीं के तो होंगे। जो यहाँ नहीं, देखिए जब वन टू वन इंटरव्यू होता है, जो यहाँ नहीं उसका पक्ष लेना पड़ेगा। जब मैं मोदी जी का इंटरव्यू करूंगा तो आपके आरोप होगा ही नहीं, ठीक है ना? मिलेगा ही नहीं आपको मोदी जी का इंटरव्यू। किस दुनिया में आप घूम रहे हो? अरे भूल जाओ ये, ठीक है, इंटरव्यू हम लोग ही दे सकते हैं। कोई बात नहीं, और आपके सवाल के जवाब भी हम आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं कांग्रेस के उन नेताओं का मैं आभारी हूँ, जैसे दिग्विजय सिंह हो या काफी लोग हैं जो इंटरव्यू में आए, मैं आभारी हूँ। और हमारी ये कमिटमेंट भी है कि हम जो इंटरव्यू लेते हैं वो पूरा दिखाते हैं। अच्छी बात। देखिए वैचारिक विरोध हमारे हो सकते हैं लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। आप मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में चले गए। अब सेना के हमने सबूत मांग रहे? बिल्कुल नहीं मांग रहे। हमने तो जब उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने बाबा की, अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हमने 350 मार दिए, हमने 500 मार दिए, ये कोई सेना ने तो नहीं कहा, ये तो आपके राजनेता लोगों ने कहा ना, ठीक है ना? कोई अमित शाह ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा, तो हमने कहा अच्छे अगर आप 500, आपने केवल 350 क्यों नहीं मारे? आपको 700 मारने चाहिए थे ताकि हमारे खून में गर्मी रहे, ताकि ज्यादा लोग मरेंगे तो अच्छा लगेगा ना। और वो परिवार के सदस्य भी पूछ रहे हैं कि अगर आपने 500 मारे तो हमें भी बता दीजिए, तो उसमें गलत क्या है? ये राजनीति क्या है इसमें? राजनीति तो वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि हमने 350 मारे, 500 मारे, 700 मारे, लेकिन हम बताएंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि 1500 मारे तो अच्छी बात है, हमें दिखाइए, हमें सुकून मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा। किसने कहा? कई लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो, हमने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। जो जो विरोध में है उनमें से कई लोग कह रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं आप। किसी ने नहीं कहा ये बात, कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा। ये न्यूज है कि सिब्बल जी विरोध करें उन लोगों का जो सबूत मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सिब्बल जी कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि सेना ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, ये सिब्बल जी कह रहे हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन जो इसमें राजनीति करता है कि पीछे तो शहीदों की फोटो दिखाए और उस पे फिर भाषण दें, वो है राजनीति। आप लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी हिम्मत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं उसको बोलने के लिए कि मत तुम ऐसी बात करो, मत राजनीतिक रंग दो। मैं चाहता हूँ आपकी हिम्मत नहीं है ना, एक सैनिक सोल्जर वाला, आपकी हिम्मत नहीं है। मेरा उल्टा कहना है, मेरा कहना है सारे राजनीतिक दल क्यों शहीदों के फोटो नहीं लगा रहे? मोदी जी को खुद पहनना चाहिए आर्मी का। आप क्यों नहीं शहीदों के फोटो लगा रहे? अमित शाह को मैं तो कहता हूँ, अमित शाह अगर चाहेगा ना सरहद के साथ, मैं उसके साथ चलूंगा। नहीं, वो तो आप दोनों तय करें, मुझे नहीं नहीं नहीं, नहीं, बोलो ना। मेरा इतना देशभक्त है, राजनीतिक दल इतना देशभक्त है, मोदी जी अगर वो पहनेंगे और चलेंगे लड़ाई करने तो मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राजनीतिक दल अगर शहीद के फोटो लगा, ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। सबूत आप मांग रहे हो, राजनीति मैं नहीं सबूत, मैंने कब बोला? मैंने आपको साफ कर दिया, फिर भी आप मानते। चलिए
अब देश में 19 के चुनाव है और बड़ा अब तक कभी भी इतना निचला स्तर नहीं रहा था आरोप प्रत्यारोप पर भाषा का, इतना नीचे गिर चुका है। अब इतने पुराने राजनीतिज्ञ है, आगे आपको क्या दिखता है? मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे तो अंधेरा ही दिखता है ऐसी इस किस्म की राजनीति से। तो उसमें आप अपना प्रकाश का प्रयास क्यों? प्रकाश तो मोदी जी दे रहे हैं ना सबको, उनका अपने भाषणों से हार मान ली आपने। वो प्रकाश देख रहे हैं हम, किस किस्म का प्रकाश वो हम देख रहे हैं। तो आपने हार मान ली? मैंने क्यों हार मानूंगा? तो आप बोल रहे हैं ना कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे तो अंधेरा दिख रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, जो 5 साल का अंधेरा है वो चलता रहेगा। सरकार कंटिन्यू करेगी मतलब? कैसे करेगी? आप कह रहे ना चलता रहेगा अंधेरा, ऐसे रहा तो अंधेरा जून तक अंधेरा चलेगा, फिर सवेरा आएगा। हारने के बाद क्या स्टेटमेंट देना है? कोई तैयारी कर ली आपने? नहीं, उन्होंने करनी है तैयारी, मैंने थोड़ी ना करनी है। उन्होंने करनी है देश में माहौल। आप उनको जरा ये एडवाइस दो ना कि तैयारी कर लें। करेंगे वो तैयारी, हम नहीं। वैसे आपको तैयारी की क्या जरूरत है? आप इतने बड़े वकील है, आपको क्या तैयारी? नहीं, आप मेरी बात कर रहे हो कि पार्टी की बात? मैं तो तैयार हूँ वैसे भी। मुझे तो कुछ पार्टी ने आपको बहुत अच्छी सुविधा दी है, कोई भी काम कर सकता हूं, जहां चाहे आपको ऑफिशियल कहे, जहां नहीं चाहे सिब्बल जी की व्यक्तिगत बात कहे, आपके लिए बड़ी सुविधा है। जिस अनिल अंबानी के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी, सिब्बल जी उसकी भी केस लड़ते हैं। ये भी आपको जानकारी नहीं है क्या? एरिक्सन की केस में आप थे कि नहीं? वन सेकंड, एरिक्सन और राफेल से क्या ताल्लुक है? नहीं, एरिक्सन की केस तो लड़ी ना, क्यों नहीं लड़ू? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, गलती है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई गलती है? मतलब आपने सवाल पूछा कि आप गलत। अनिल अंबानी को राहुल गांधी एक विलन की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। बताता हूँ, मैंने राफेल के बारे में अनिल अंबानी के खिलाफ बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनिल अंबानी के खिलाफ। और दूसरे केस में उसका केस लड़ रहा हूँ। हाँ, तो उसमें गलत क्या? कितनी सुविधा है? नहीं, गलत क्या? नहीं, अच्छी सुविधा। नहीं, अच्छी सुविधा की बात नहीं है, फंसने की बात नहीं है। अब आपको मैं, आपको अगर जानकारी नहीं है, आपको अगर वकालत की जानकारी नहीं है तो सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए। नहीं, मुझे तो ये पता है कि हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। मैंने भी LLB की, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की। शुक्र है प्रैक्टिस नहीं की आपने, ये अच्छी बात है। उस मौके का फायदा हुआ कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अगर ऐसे सवाल आप जज को पूछते तो आपकी बुरी हालत होती मौके की। क्योंकि मैं किसी भी देशद्रोही गद्दार की केस नहीं लड़ सकता। कमाल है भाई साहब, आपको आपका जैसे देशभक्त तो मैंने देखा ही नहीं। जिस तरह से आप सवाल कर रहे हो ना, ऐसी देशभक्ति तो मैंने सारी उम्र नहीं देखी। कमाल कर दिया आपने। देशभक्ति का और मौका आपको देता हूँ, आपकी हंसी एक और आपको आपकी देता हूँ। देशभक्ति की बातें, लेकिन मैं तो हंस रहा हूँ। आप तो गुस्से में है, लाल बिल्कुल गुस्से नहीं है, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ मैं तो। आपको जवाब, बड़ा वकील है मेरा जैसा छोटा सा पत्रकार, आपको अपनी असलियत दिखा रहा हूँ। चलिए, एक अहम जरूरी विषय को लेकर चल रहे हैं और अभी भाजपा ने भी उस पर आपने कोई राय नहीं दी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उनकी राय है। हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके पास आया, मुझे नोएडा से आने में 1.5 घंटे लगे, अभी 8 बजे के लाइव देने पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हमारा ये मानना है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून आना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना हिंदू के लिए अलग ना मुसलमान के लिए अलग। दो बच्चे की बात 1952 में आपके सरकार ने की थी, बहुत अच्छी नीति थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। क्या अब आपको लगता है कि देश के सारे राजनीतिक दल तमाम विरोधों को छोड़कर सबके दो बच्चे हो इस कानून पर आए? देखिए, पहले जो भी सत्ता पक्ष में है उनको सलाह दीजिए कि कानून लाए और चर्चा होगी और जो भी सर्वसहमति होगी वो कानून पास होगा। एज ए व्यक्तिगत होगा या नहीं होगा, मैं इन बारे में कोई व्यक्तिगत राय नहीं देता। इन चीजों में कोई व्यक्ति की तो राजनीतिक, हम तो आपको हिम्मत वाला आदमी मानते हैं और आप इतने जरूरी समस्या पे। हिम्मत इतनी है कि मैंने आपको कई जवाब दे दिए जो मुझे देने नहीं चाहिए। नहीं, मैंने सुन लिया, हिम्मत वाला हूँ तो मैंने सुन लिया ना। ठीक है, तो मैं हिंदू हूँ, हिम्मत वाला हूँ। मतलब मैं तो हिम्मत वाला हूँ, मतलब मेरे जैसे लोग धैर्यवान है तो मानेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कमाल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत, मैं एक सिटीजन ऑफ, व्यक्तिगत कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि ये मामला व्यक्तिगत मामला नहीं है। हाँ, मुझसे पूछो कि दो बच्चे आपके होने चाहिए, मेरे दो ही हैं। तो सबके होने चाहिए कहीं? मैं नहीं कह सकता, ये तो व्यक्तिगत बात है भैया। ये आपने निराश कर दिया का, आप मुझे ये सवाल भी निराश कर। निराश हो या खुश हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप मुसलमानों को निराश नहीं करना चाहते। देखो, ऐसा है, ये सवाल पूछोगे ना तो मैं इंटरव्यू से चले जाऊंगा। ये शर्म की बात है कि आप सवाल पूछ रहे हो। क्यों मुझसे क्या लेना देना है किसी के? देखो, ऐसा सवाल मत पूछिए, लॉ मेकर, ऐसा सवाल मत पूछिए, प्लीज डोंट रिड्यूस दिस टू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। प्लीज डोंट आस्क। आप मुझे बताए ना, जनसंख्या आज देश की बड़ी समस्या है कि नहीं? आप उस पे अपनी राय नहीं दे रहे हैं। कह रहे हो राजनीतिक दल विचार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको व्यक्ति, जैसे मैंने व्यक्तिगत आपको बता दी, आपकी राय ठीक है, आप तो अपनी राय दे रहे हो, मैं अपनी राय दे रहा हूँ,
कि भाई मेरी व्यक्तिगत हिसाब से मैंने दो बच्चे किए हैं, मेरे पास दो ही बच्चे हैं, हमारे दो ही बच्चे हैं, बात खत्म। चलिए, हम आशा करते थे कि आप ये कहें कि सबके दो होने चाहिए, लेकिन कोई बात आप नहीं, आशा करो, कोई बात नहीं, आपने आप निराश भी मत हो। नहीं, निराश तो नहीं होगा, क्योंकि हम लड़ने संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास, और हम आशा करते हैं कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और कानून लाएंगे। आपने समय निकाला और खुल के बात की, नमस्कार। ठीक है, शब्दों का चयन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम इसके पक्षधर है कि बात होनी चाहिए, बिल्कुल, और इसलिए आपकी अनकट बात को हम सुदर्शन पर दिखाएंगे। दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद।